Hey there, so we have understood how to calculate the forward price use, uh, when we have cost and benefit associated with the underlying asset. Now, we give a concept to this benefits and cost ko ek term de that is net cost of carry. Okay, so we will see And at the very same time, how we will be calculating the value of the forward contract at different time periods when we have cost and benefits involved with the underlying asset is what we are going to see next. Alright, so this was the formula that we had derived the spot price, you add the cost. you subtract the benefits and you take it to the uh, capital uh, capital time period t by using the risk free rate so ab maine yahan pe kya kiya hai next step mein if you could see ye dono mein se i have taken negative common to so, minus jab common liya to andar yahan pe minus present value of cost आ जाएगा minus minus क्योंकि plus होता है All right. और यहां पे ये minus का plus हो जाएगा जब भी आप negative common लेते हो कोई भी ब्रैकेट से तो अंदर की साइंस जो है वो चेंज हो जाती है तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्लस में यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस में तो आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो गई ओ राइट सो मैंने सिर्फ अब यहाँ पे से स्टेप से रीअरेंज कर दिया है प्रेजेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स पॉजिटिव में तो मैंने पहले लिख दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट नेगेटिव में तो मैंने बाद में लिख दिया ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को हम नेट कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं ठीक है जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट माइनस कर दे सो so हमको नेट कॉस्ट ऑफ कैरी मिलता है विच इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट तो आपको जब भी भी फॉरवर्ड प्राइस निकालना हो वेन यूर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनवॉल्व वॉट यू कैन सिंपली डू इज यूज द स्पॉट प्राइस सप्रैट द नेट कॉस्ट ऑफ कैरी एंड टेक इट टू द टाइम पीरियड टी बाई यूजिंग द रिस्क फ्री रेट नेट कॉस्ट ऑफ कैरी निकालोगे कैसे बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट सो दैट इज हाउ यू फिगर आउट योर प्राइस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगेन विद व्हेन यू हैव कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बट है आप वो बेनिफिट्स और कॉस्ट को एक नाम दे सकते हो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैरी नाउ टॉकिंग अबाउट वैल्यू वैल्यूट वैल्यू कैसे निकाल सकते भले, हो भले कॉस्ट इन्वॉल्व हो बेनिफिट्स इन्वॉल्व हो टाइम पीरियड जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही रहेगा चाहे वो लॉन्ग पार्टी हो या शॉर्ट पार्टी हो दोनों के लिए टाइम पीरियड जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही रहेगा कैपिटल टाइम पीरियड टी पे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरेशन पे अभी भी आप वैल्यू वैसे ही निकालोगे स्पॉट प्राइस माइनस एफ नॉट टीट स्पॉट प्राइस माइनस एफ नॉट टी दिस इज द वैल्यू फॉर द लॉन्ग पार्टी दिस इज द वैल्यू फॉर द लॉन्ग पार्टी और इसका जो भी वैल्यू आएगा लॉन्ग पार्टी का उसका नेगेटिव के साथ शॉर्ट पार्टी का वैल्यू हो जाएगा नाउ द क्वेश्चन कम्स हमको टाइम पीरियड बीच में कहीं पे वैल्यू निकालना, निकालना है तो हम कैसे करेंगे example, here, ये तो हम यहां पे क्या करेंगे इस टाइम पे जो भी स्पॉट प्राइस रही होगी वो जो भी आने वाला कॉस्ट है अब कॉस्ट शायद यहां पे भी इन्वॉल्व हो वो हमको कंसिडर नहीं करना है जो भी आने वाला कॉस्ट है ये टाइम पीरियड से ये टाइम पीरियड के बीच में सिर्फ उसको ही कंसिडर करना है सो so, कॉस्ट है तो हम स्पॉट प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमने कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू में लिया ऐड कर दिया बेनिफिट है तो माइनस कर दिया right. जो कॉस्ट और बेनिफिट वही कंसिडर होगा जो स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में है तो ये आपकी प्राइस बन गई इंक्लूडिंग द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स माइनस आपको क्या करना है यहां पे फॉरवर्ड प्राइस डिसाइड हुआ हुआ होगा अब वो फॉरवर्ड प्राइस यहां डिसाइड हुआ था पर आपको वैल्यू यहां जाननी है तो फॉरवर्ड प्राइस को आप घुमा के यहां लेके आओगे अगेन कैसे लेके आओगे बाई डिवाइडिंग इट बाई वन प्लस आर एफ और ये टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे वन प्लस आर एफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी से आप डिवाइड करके ले आओगे और पहले कैसे किया था हमने पहले सिर्फ एस टी था क्योंकि कॉस्ट और बेनिफिट थे ही नहीं बट इन दिस केस वी हैव बोथ कॉस्ट इन बेनिफिट एंड सिंस वी हैव बोथ ऑफ दे हमको उनको कंसिडर करना है आज की स्पॉट प्राइज में वो स्पॉट प्राइज में उसका इफेक्ट लाना है एंड देन फॉरवर्ड प्राइस को उसमें से सप्रैक कर देना है दिस विल स्टिल बी द वैल्यू फॉर द लॉन्ग पार्टी